इंडियन लॉबी जिसे कहा जाता है, पहले इसराइल लॉबी होती थी, लेकिन अब कहा जाता है कि इंडियन लॉबी जो है विद एवरी पासिंग डे। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ना वो प्रिवेल कर रही है, ऐसे बड़ी ही अच्छी तरह से कर रही है। के जो इंडिया की यहाँ पर लॉबिंग है वो बहुत बहुत हाईली जिसे कहते हैं सक्सेसफुल है। कि अक्सर जो इंडियंस हैं वो बड़े ख्वातीन और मर्द जो हैं वो बड़े बोल्ड स्टेप लेते हैं। इंडिया का आप अगले 100 साल तक मुकाबला नहीं कर सकते, वो एशिया में पावरफुल नहीं होगा, अच्छा वो अमेरिका के साथ, अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत, ये 4 मुल्क पूरी दुनिया को कंट्रोल चलाएंगे। तो हाईली अर्निंग पीपल हैं अमेरिका में, जिनकी सबसे ज्यादा सैलरीज हैं, तो वो इंडियंस हैं। जो इंडियंस हैं वो आजकल खामोश हैं और बिल्कुल खामोशी से सारा कुछ देखते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का मीडिया ये बता रहा है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जो पाकिस्तानी दूसरे देशों में रहते हैं इवन जैसे अमेरिका के अंदर रहते हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साथ में वो एग्जाम्पल दे रहे हैं भारत का कि बाइडेन सरकार में भी जो वाइस प्रेजिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन की है। साथ में अब ये खबर भी सामने आ रही है कि जो ट्रंप की पार्टी है उसने भी जो अपना वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया है उनकी जो पत्नी है वो इंडियन ओरिजिन की है। तो इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो रहेगी, तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ना, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। सो इसलिए कहा जाता है ना कि आफ्टर इजराइल द ओनली कंट्री विच हैज अ वेरी पॉजिटिव रेफरेंस इन इंडिया इन अमेरिका इज इंडिया। और उसकी वजह यह है कि वो सारे टैबूज तोड़ने पड़ते हैं। जो इंडियन लड़के लड़कियां, मेन एंड वुमेन, दे हैव टू ब्रेक ऑल दोज टैबूज एंड दे हैव टू एम्ब्रेस द कल्चर। अब पाकिस्तानियों का क्या होता है, सबने पहले तो इसको मुसलमान करें। अच्छा, मुसलमान नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, मुसलमान होगा तो फिर वो जारी बात है, अगर वो बंदा मुसलमान हो जाता है तो उसकी अपनी कम्युनिटी के अंदर वो रेलिवेंस खत्म हो जाती है। वो कहता है यार ये तो अब मुसलमान हो गया है, क्योंकि अब वो उसको दूसरे मुसलमान देख रहे होते। सो नॉर्मली विद द हिंदूज इज कि दे एम्ब्रेस द अदर पर्सन द वे ही और शी इज। ये एक चीज है। सो मुसलमानों को ये भी एक इशू होता है कि भाई हम क्या करें और क्या ना करें और कैसे चीजों को चलाएं। सो ये मैं समझता हूँ कि आप व्हेन यू एम्ब्रेस दी अदर पर्सन द वे अदर पर्सन इज, दैट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। पीपल डू अंडरस्टैंड कि इसके क्या लवाजमात हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और सो ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं विद एवरी पासिंग डे। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, पीपल आर इंजॉइंग इन इंडिया कि जो नई वाइस प्रेसिडेंट, नए वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ हैं, उनके पेरेंट्स इंडियन हैं। ये बहुत बड़ी, मैं तो समझ रहा हूँ। सो जो चीज़ समझ आई कि आप उस कल्चर को एम्ब्रेस करें जहाँ भी आप मौजूद हैं, आप उस कल्चर को, जो लोग उस कल्चर को एम्ब्रेस नहीं करते, उस कल्चर को रेलिवेंस नहीं देते, उस कल्चर को वैल्यू नहीं देते, आप उस कल्चर को वो जो है वो एम्ब्रेस नहीं करेंगे, आप कैसी चीज़ें कर सकते हैं। सो यही वजह है कि हमारे लोग पीछे रह गए हैं, कि हमने जो लोग अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में हैं वो उनके कल्चर को वैल्यू नहीं देते। वो यूरोप, अमेरिका, बरतानिया के अंदर पैरेलल कल्चर ड्रॉ करना चाहते हैं। जब आप पैरेलल कल्चर लेके आते हैं तो देन लोग जो हैं, जरूरी नहीं जो लोग वहां पे सदियों से बैठे हों वो आपको एम्ब्रेस करें उस टाइम। सो आपने जो बड़ी आइडेंटिटी है, ये जो बड़ा ग्रुप है, आपने उसको एम्ब्रेस करना है, एंड देन यू आर इन अ पोजिशन लेटर ऑन कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं या करें जिसकी वजह से यू बिलीव के थिंग्स आर इन शेप द वे यू वांट। ऐसी सिचुएशन में इंडिया क्या किस तेजी से तरक्की करता नजर आ रहा है? उनकी डेमोक्रेसी की अगर बात कर लें, उनके कंट्री के लोगों की बात कर लें, इकॉनमी की बात कर लें, और हम जो उनसे हैं अपने, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये गलत है, आप मुझे कह रहे हैं ये गलत है, वो एक कभी किसी पार्टी पे पाबंदी, कभी किसी पार्टी पे पाबंदी, इंडिया इस टाइम ऐसे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बोस, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ना वो प्रिवेल कर रही है, बड़ी अच्छी तरह से कर रही है। वहां पे जो बाहर से जो इन्वॉल्वमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट से ना तो उसी तरफ से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इवन अमेरिका की भी जरूरत नहीं है उन्हें कुछ कहने की। अमेरिका ने उनको कहा कि आपने रूस से काम नहीं करना, आपने चाइना से काम नहीं करना। उन्होंने रूस से भी ऑयल लिया है, उन्होंने चाइना से भी काम किया। मोदी अभी रूस होके आया, उन्होंने अमेरिका के जो
वॉशिंगटन डीसी से वहां से बयान आया कि आप क्यों गए, उन्होंने कहा जी हमारा मुल्क है, हम हमारी मर्जी, अपनी कंट्री के अपने फायदे के लिए, यही बात खान साहब ने की थी, तो वो जेल में, वो जेल में है। और मोदी जो है इस टाइम वो पावरफुल, पूरे पावरफुल लीडर बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आने वाले 5 साल में अच्छा पाकिस्तान इंडिया का आप अगले 100 साल तक मुकाबला नहीं कर सकते, वो एशिया में पावरफुल नहीं होगा, अच्छा वो अमेरिका के साथ, अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत, ये 4 मुलक पूरी दुनिया को चलाएंगे, करेंगे। ठीक है, ये देखे अब ये आम, एक आम पाकिस्तानी, ये नहीं है कोई बड़े पॉलिटिशियन है या बड़े कोई पॉलिटिकल साइंस के कोई हिस्टोरियन या कुछ इस तरीके से, नहीं, आम पाकिस्तानी को भी पता है कि जितनी तेजी से वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितनी तेजी से वो अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं, ये नहीं है। इसी में ऐड करता हूँ, 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क बना दी अगलों ने, इंडिया ने 100 किलोमीटर की सड़क जो 100 घंटे में रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, ये मेरा हल 2 हफ्ते में इस बात, ठीक है, ये जब दोबारा वजीर आजम ने हलफ लिया मोदी ने, ठीक है, तो वो यहाँ तक आगे निकल गया है, तरक्की में इतना आगे निकल गया है, और हम अभी आपस में अटैक खेल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, लोगों की बेहुर्मती कर रहे हैं, चादर चार दीवारी का बेतरेक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मैंने तो यही चीज समझी है कि ऑलवेज एम्ब्रेस करें दूसरे कल्चर्स को, उन कल्चर्स का हिस्सा बने, अपनी स्पेस बनाएं, उन लोगों को महसूस कराएं कि यू आर अ पार्ट ऑफ देम, ना कि आप जाके अपनी सेपरेट फीफडम्स क्रिएट करने की कोशिश करें और अगलों को भी इनसिक्योर करें, और अगलों की भी रिस्पेक्ट इसी चीज़ में। देखें, आप अगर अगले बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हाउ कम थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर, आपको अगले लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि आपको तो हर किस्म के हकूक मिलें, आपको वहाँ पे हर किस्म की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले, आपको हर किस्म की आइडेंटिटी मिले, आप हायर आइडेंटिटी ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, आप हायर आइडेंटिटी ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, लेकिन कहें जी नहीं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो फिर लोग जो हैं वो आपको सिस्टम इंगेज तो कर लेते हैं बट दे डू नॉट टेक यू। सो ये जो इंडियंस हैं या इसराइली जो हैं, दे डू इट दिस वे, वो इस तरह ये चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। सो ये चीज़ें हैं, मैं ज़ाती तौर पर ये चीज़ समझता हूँ। बहरहाल ये एक चीज़ है, देखते हैं कि उषा बैंस जो हैं वो क्या करती हैं, क्या होता है, हाउ शी, बिकॉज आप वो पब्लिक ऑफिस में आ रहे हैं, जब आप पब्लिक ऑफिस में आ रहे हैं तो देन आपके पास बड़े लंबे चौड़े जो है ना वो जिसे कहते हैं ना इख्तियारात होते हैं, ठीक है, लंबे चौड़े इख्तियारात होते हैं कि आपको एक रेफरेंस मिलता है, ठीक है जी, एक रेफरेंस मिलता है, आपको एक चीज़ मिलती है। सो अब उषा बैंस जो है, इफ़ शी इज़ रेगुलरली देयर, तो मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया के अंदर ज़ाहिर बात है शायद बहुत सारे लोग जो है ना वो जिसे कहेंगे ना शादियाँ ने बजा रहे हो कि साड़ी कुड़ी जड़ी है जनाब ने देखो किंच कर देता है, मैस्मराइज कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तान के पत्रकारों को सुना है, यहाँ पर वो जिस न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि पहले भी अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडियन ओरिजिन की हैं, और अब यहाँ पर अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनकी जो पत्नी होगी वो भी इंडियन ओरिजिन की है। तो इसी न्यूज़ को यहाँ पर कवर किया जाए, साथ में कई सारी बातों को लेकर जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान का मीडिया चर्चा कर रहा था, एक साथ में कंपैरिजन कर रहे थे भारत के साथ में, तो देखिए भारत के बराबरी ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनका जो माइंड है पाकिस्तानियों का, वो पाकिस्तान में रहते हैं तो भी कैसा चलता है, जब वो बाहर जाते हैं तो भी इनका दिमाग किस प्रकार से किन कामों में चलता है पूरी दुनिया को पता है, इसीलिए ये लोग जो है ना तरक्की नहीं कर पाते हैं, लेकिन भारत के साथ में अपना कंपैरिजन करते रहते हैं। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।